अफेक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी ऐसा नाम बन गया है जो बीजेपी के लिए मुश्किल माना जा रहा है। अगर बीजेपी के प्रत्याशी की इस बार हार होती है तो रविंद्र सिंह भाटी ही वजह होगी। सिर्फ भाटी ही नहीं बल्कि एक और नेता है जो बीजेपी के लिए इस बार मुसीबत बने, जिनकी तुलना रविंद्र सिंह भाटी से हो रही है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही पवन सिंह ने भी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी है। रवि सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर से मैदान में हैं और पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर में तो पवन सिंह ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। रविंद्र सिंह भाटी और पवन सिंह दोनों ने लोकसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को चिंता में डाल दिया। भाटी की वजह से बाड़मेर जैसलमेर और पवन सिंह की वजह से काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। भाजपा के उम्मीदवार को अधिक नुकसान होने का भी डर सता रहा। पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर गए। रविंद्र सिंह भाटी के सामने बाड़मेर जैसलमेर से केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस उम्मीदवार मेधराम बेनीवाल। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह की टक्कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से है। महागठबंधन समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी के उम्मीदवार राजा राम सिंह से है। रविंद्र सिंह भाटी और पवन सिंह का युवाओं में काफी क्रेज है। रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति से आगे बढ़े तो पवन सिंह भोजपुरी के गाने और एक्टिंग से राजनीति में आए। भाटी की ही तरह पवन सिंह के भी हर सभा में काफी भीड़ उमड़ रही है। दोनों के नामांकन सभा के दौरान समर्थक बड़ी संख्या में जुड़े थे। दोनों में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। रविंद्र सिंह भाटी और पवन सिंह दोनों पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है। दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले भाजपा से टिकट मांगा था। जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े गए। रविंद्र सिंह भाटी और पवन सिंह की सोशल मीडिया पर भी खास पहचान है और इसके साथ ही दोनों ही ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है। तो ऐसी ही अपडेट के लिए आप बने रहें द अफेक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।